जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट यूनिट 7 का लास्ट सब पार्ट कहा जा सकता है। इसके पहले हमने सारे यूनिट 7 के टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं। तो ये ह्यूमन पार्ट, बॉडी पार्ट का ये 6 वीडियो है, और टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 46 वीडियो है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाकर देखिए, और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि यूनिट 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके MPPSC के लिए। कई बार ऐसा होता है MPPSC में यूनिट 7 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका क्रेनियम में, आपका स्कल में कितनी बोन्स होती है, उसमें हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो हमने वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश की, जिससे आपका यूनिट 7 से आने वाले कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए, नॉलेज ग्रंथ को आशा कर रहे हैं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जहां भी हम बोलेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान रखना है, और जो कलर ग्रीन कलर, इस तरह ग्रीन कलर से हाईलाइट है, उसको ध्यान रखना। उसके अलावा आपको सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लाइड जो बनाई जाती है उसमें सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें क्या जरूरी चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, कि आखिर नर्वस सिस्टम होता क्या है, न्यूरॉन्स बॉडी में होते क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम इज सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल, नर्व एंड नर्वस ऑर्गन्स। तो जो आपका नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहली बात है कि न्यूरॉन्स, जिसको नर्व सेल बोलते हैं, उसके अलावा नर्व्स, जिनके थ्रू आपका न्यूरॉन्स जाता है, उसके अलावा नर्वस ऑर्गन्स, ठीक है, इनके थ्रू आपका नर्वस सिस्टम बना होता है। दैट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी बाय रिसीविंग एंड सेंडिंग नर्व इंपल्स। जो भी आपकी बॉडी में जो भी आप काम करते हैं, हाथ उठाते हैं, पलक झपकाते हैं, ठीक है, आप पैर चलाते हैं, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं अपनी बॉडी में, वो किसके थ्रू करते हैं, आप नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो आपका सिग्नल जो है दिमाग को भेजता है, और दिमाग उस तरीके से उसको एक्टिवेट करता है, आप उस बॉडी पार्ट को, और आप कोई काम कर पाते हैं। तो हम अगर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें कि क्या क्या काम करता है, तो कुछ काम, वैसे बहुत सारे काम करता है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग द एनिमल अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात कि एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट का अवेयर कर, मतलब ठंड है तो आपको ठंड फील होती है, वो कैसे फील होती है, आपकी स्किन के बाद नर्वस सिस्टम जाता है, नर्वस सिस्टम जाकर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन के बाद आपको फील होना स्टार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले बात एनवायरनमेंट ठंडा है, गर्म है, कैसा है, वो आपको सबसे पहले बता, किसके थ्रू पता चलता है, नर्वस सिस्टम से। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन एनवायरनमेंट, जब भी ठंडी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, किसके थ्रू पता चलता है, आपको सब नर्वस सिस्टम से। मेमोरी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंप्रेशंस, ठीक है, जो आपकी मेमोरीज होती हैं, जो आपके साथ हुआ है पास्ट में, कभी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी, कोई भी घटना हुई है, उसको याद जो होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आपके दिमाग पे जाता है। उसके बाद बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल चेंज विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, जो आपका अब एक्सटर्नल चेंजेज हो रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं मेमोरी की, ठीक है, पहले ऐसा था, आज ऐसा हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका कहीं घर था, कहीं पानी था, ठीक है, आज नहीं है, तो उस तरह के जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाता है, कि आज से 2 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, पहले नहीं था, अब यहाँ पे है। उसके अलावा आपका, जैसे आपका पेन, जो दर्द होता है, प्लीजर, जो आपको खुशी होती है, स्मेल, जो आप सुगंध सूंघते हैं, टेस्ट, जो आप कोई खाते हैं तो खट्टा मीठा कड़वा लगता है, विजन, कोई चीज़ आप देखते हैं, हियरिंग, कोई चीज़ आप सुनते हैं, वो सब जो होता है वो सब किसके, सेंस ऑर्गन के थ्रू, या न्यूरल सिस्टम के थ्रू, या न्यूरॉन के थ्रू, या नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। लिंकिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड कोऑर्डिनेट देयर फंक्शन, तो आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लिंक करता है, ठीक है, जो आपके दिमाग से चलते हैं, और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज और मसल एंड ग्लैंड्स के अलावा आपका कब बॉडी को कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है, कब बॉडी को कौन सा विटामिन कंज्यूम करना है, वो सब जो आता है वो सब किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो नर्वस सिस्टम को जनरल जो आइडिया था वो ये था, ठीक है। इसके बाद बात करें कि ह्यूमन में, तो ह्यूमन द नर्वस सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, है 3 पार्ट्स, ठीक है। तो ह्यूमन में 3 टाइप के नर्वस सिस्टम टोटली पाए जाते हैं। सबसे पहला नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसके बाद बात करें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपकी नर्व होती है, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में जो भी आपकी नर्व्स होती हैं, ठीक है, नसें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद बात कर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोलिंग वॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट, ठीक है, आपका पेरिस्टेलिस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये भी जो आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है, जो आपका वॉलेंट्री एक्शन होता है, जैसे आपका हार्ट का धड़कना कब धड़कना है, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होना है, वो सब जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो किसी ऑर्गन के अंदर जो चीज सिस्टम होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अलावा मेन सिस्टम जो होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जहां से चीजें होती है, सेंस की जाती है, इसके बाद डिफरेंट बॉडी पे कैसे उस चीज को एक्शन में लेना है, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो 3 चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है,
होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट बॉडी में जो नसें जाती हैं उसमें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ठीक है, उनके ऑर्गन्स का जो कंट्रोलिंग होता है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इन मैमल्स, मैमल मतलब स्तनधारी, जो हम लोग इंसान में स्तनधारी हैं, ऑल बॉडी एक्टिविटीज आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। हर इंसान में जो भी पूरी बॉडी है, किसी भी इंसान या जानवर, कोई भी लिविंग थिंग्स है ना, उसमें नर्वस सिस्टम के थ्रू इनका कंट्रोल होता है। डायरेक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय सप्लाइंग नर्व टू द वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यूज। डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम डायरेक्ट दे दिए आपकी वेरियस ऑर्गन्स में ठीक है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, उनमें नर्वस सिस्टम दे दिया गया तो ये डायरेक्ट कंट्रोल होगा। वाइल इनडायरेक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मतलब जब भी कोई हार्मोन्स रिलीज होना है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है, कब होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक कब होना है वो एंडोक्राइन ग्लैंड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे आपकी बॉडी में कोई चीज पहुंचती है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की थी, रेड ब्लड सेल्स की बात की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। द नर्वस सिस्टम रिसीव ए वैरायटी ऑफ स्टिमुली फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टिमुली इट्स सेंड आउट एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू द कंसर्न ऑर्गन। तो आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत जो स्टिमुली होती है आपकी बॉडी में, बहुत जगह डिफरेंट पार्ट पे स्टिमुली होती है जो चीज़ों को सेंस करती हैं ठीक है, और इस सेंस करने के बाद ये चीज़ें कहाँ पर भेज दी जाती हैं, वो आपके कंसर्न ऑर्गन्स में भेज दी जाती है जिस ऑर्गन से रिलेटेड ये चीज़ होंगी। मतलब सिंपल हो गया कि जिसको ये काम देना है ठीक है, जैसे आपका इन जनरल आपका जो भी सोसाइटी होती है उसमें क्या होता है कि प्लम्बर का काम नल बनाना है, आपका जो भाई आते हैं उसका काम खाना बनाना है, तो उसी तरह ये कि आपका कोई चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है उसको ये प्रॉपर ऑर्गन को ये काम दे दिया जाएगा। हार्ट से रिलेटेड काम तो हार्ट को दे जाएगा, किडनी से रिलेटेड काम किडनी को दे दिया जाएगा ठीक है। तो बोथ एक्सटीरियर एंड ठीक है प्रोप्रिसेप्टिव सेंसर और ब्रॉड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सेंसरी। तो यही जो आपकी स्टिमुलीज होती हैं ठीक है, सिंपल समझिए कोई सेंसर आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पर लगा हुआ है, वो सेंसर जो होता है, थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम दीजिएगा दोस्तों। हाँ, तो डिफरेंट जो सेंसर लगा होता है उस सेंसर से कहाँ आपकी चीजें पहुंच जाती हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाती हैं। ऑर्डर विच आर कैरिड आउट इन रिस्पांस टू दिस सेंसर एंड कन्वेट द एप्रोप्रिएट ऑर्गन थ्रू मोटर नर्व्स ठीक है। मोटर नर्व के बारे में बात करें, मोटर नर्व का मतलब कुछ नहीं होता, जो नर्व जिसके थ्रू आपका काम हो रहा है, एक सेंस एक हो गया सेंसर ठीक है आपकी बॉडी, सिंपल आप समझिए कि आपकी बॉडी सपोज ठीक है, सपोज आपके हाथ में कुछ सपोज आपको किसी चीज को उठाना है ठीक है, तो वो चीजें सेंस होंगी कहाँ पे आपकी, जिस हाथ से आपको उठाना है, सपोज राइट हैंड से उठाना है तो उसमें जो स्टिमुली होगी सेंसर होगा वो आपका किसको देगा, वो देगा आपको जो आपका क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को ठीक है, वो जो स्टिमुली होगी स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ब्रेन पे ठीक है, और ब्रेन से जो फिर सिग्नल आएगा ठीक है, यहाँ तक चला गया हमको चीज उठानी है आपको, उसने जो चीज को सेंस किया और आपके ब्रेन पे वो चीज चल गई, ब्रेन क्या करेगा नर्व को डायरेक्ट करेगा ठीक है, जिस नर्व को कहेंगे मोटर नर्व ठीक है, मोटर नर्व जो होगी आपके पर्टिकुलर हाथ जिस हाथ से आपको उठाना है उस हाथ में जाएगी और आप उस चीज को उठा पाएंगे। तो मोटर नर्व का मतलब, मोटर मतलब ऑपरेट होना ठीक है, तो वो नर्व जो ऑपरेट होकर कोई काम करती है उसको मोटर नर्व कहते हैं ठीक है। अब हम बात करें न्यूरॉन्स की ठीक है, पूरा नर्व सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है पूरा किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ, न्यूरॉन मतलब बेसिक यूनिट, जैसे आपका बॉडी पूरा किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, पूरा बॉडी आपका सेल से बना हुआ है, तो जो आपका न्यूरल सिस्टम वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। तो दे आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जो स्ट्रक्चर और मेन फंक्शनल यूनिट छोटे छोटे होते हैं वो आपका न्यूरॉन्स होते हैं। करीब देखिए 30 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में ठीक है, करीब 30 बिलियन न्यूरॉन्स, कितनी मात्रा में न्यूरॉन्स होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 98% इन ब्रेन, आउट ऑफ विच 90% इन ब्रेन, आउट ऑफ विच 9 to 10 million आर फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स अलोन ठीक है। तो आपके हम बात करेंगे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिब्रल होता है, उसमें करीब आपका 9 से 10 million सिर्फ वहीं पाया जाता है, 98% पूरे ब्रेन में पाए जाते हैं और 9 से 10 जो मिलियन है वो करीब आपके सेरिब्रल में पाए जाते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे ठीक है। न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी अप टू 90 centimeter। न्यूरॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, तो सबसे पहले आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा है ठीक है।
क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ठीक है, अप टू 90 सेंटीमीटर करीब होता है ये, और न्यूरॉन्स कंडक्ट जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, जैसे आप लोग ईसीजी करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके आप लोग कभी चेक करते हो तो आपका जैसे हॉस्पिटल कोई सी दिखाते हैं उसमें स्क्रीन लगी रहती है, उसमें ऐसे करके चलता रहता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के ही होते हैं, ठीक है, या हार्ट के और ब्रेन के साथ में होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स होता है, तो न्यूरॉन जो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। डेंड्राइट्स आर द फाइबर दैट जनरेट नर्व इंपल्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन फ्रॉम द सेंसर रिसेप्टर और फ्रॉम अदर न्यूरॉन, ठीक है, तो डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट वो फाइबर्स होते हैं जो नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं, जब आपको कोई चीज सेंस करती है, ठीक है, जब कोई चीज सेंस करती है तो आपका डेंड्राइट वो सिस्टम होता है, डेंड्राइट वो फाइबर होता है, ह्यूमन बॉडी में डेंड्राइट वो फाइबर होता है जो उस सेंसर को आपका क्या करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है, उस स्टिमुलेट करने का मतलब उस चीज को उतना सिग्नल जनरेट करके और दिमाग पे भेजती है, ठीक है, जैसे आपका कोई भी स्टिमुली होगा जो उस चीज को सेंस करेगा, या सेंसर रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या कोई भी न्यूरॉन्स होगा, तो वो आपका किसके थ्रू? डेंड्राइट से फाइबर, डेंड्राइट एक फाइबर होता है, ठीक है, उसके थ्रू ही आपका जो नर्व इंपल्स होती है वो जनरेट होती है और भेजी जाती है। एक्सॉन और द फाइबर दैट ट्रांसमिट एन इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, ये आपका थ्रू सेल बॉडी जा रहा है, ये कहां जा रहा है? राइट आपका जा रहा है, और ये क्या है? अवे फ्रॉम द सेल। एक्सॉन क्या है? अवे फ्रॉम द सेल, ये क्या है? दूर भाग रहा है। कैरिंग इट टू अदर न्यूरॉन्स और एन इफेक्टर मसल ग्लैंड, ठीक है, ये आपका क्या हुआ? इनपुट टाइप हुआ, ये आपका इनपुट हुआ और ये आपका क्या हुआ? आउटपुट हुआ, ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या हुआ? इनपुट सिग्नल टाइप आप समझ लीजिए, और एक्सॉन क्या हुआ? एक्सॉन जो फाइबर होते हैं वो आउटपुट सिग्नल, ठीक है, तो इतना आपसे पूछेगा ना, इसको जैसे बताया जाएगा, जो आपको ग्रीन कलर से किया, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूरॉन्स को हम देखें, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ठीक है, देखिए आपका न्यूरॉन्स है, ये सेल बॉडी है, उसके न्यूक्लियस है, ठीक है, ये देखिए डेंड्राइट्स है, ठीक है, और ये क्या है? एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन टनल आपका जो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, ग्लैंड्स में जाता है, जहाँ पे चीजें क्या होनी है? एक्शन होना है, ठीक है, सपोज इसने कोई चीज सेंस किया, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये फाइबर है, यहाँ से आपने यहाँ पे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ने चीजों को सेंस किया और वो आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स पैटर्न की वजह से डेंड्राइट्स बोलते हैं, तो डेंड्राइट्स ने कहाँ भेजा इसको? ब्रेन में भेजा, किसके थ्रू? ब्रेन में भेजा आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे भेजा, ब्रेन ने जो सिग्नल दिया वो आपका एक्सॉन के थ्रू, ठीक है, एक्सॉन फाइबर के थ्रू कहाँ पे आया? आपका एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से जो भी आपका रिलेटेड आपका ग्लैंड होगा, ऑर्गन होगा, वहां पे पहुंच जाएगा। तो सिंपल समझिए, यहाँ से आपका इनपुट आया और यहाँ से आपका आउटपुट, मतलब यहाँ से हमने सेंस किया कि हमें काम करना है और यहाँ जाके ये काम हो गया। तो एक्सॉन क्या कर रहा है कि एक्शन को एक्शन से आप ध्यान रख सकते हैं, जो भी काम आपको करवाना है, तो एक्सॉन जो होता है वो काम करवाता है और डेंड्राइट जो होता है वो क्या काम करवाना है उसको सेंस करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स में भी थ्री टाइप्स, ठीक है, इनके नाम बता आपको पता होना चाहिए, जरा पूछने पूछे बोलता है। न्यूरॉन्स तीन टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स, नर्व्स को न्यूरॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स ही नर्व सेल होता है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स नाम से पता चला कि इसको सेंस करना, तो दे आर नर्व व्हिच कंटेन्स ओनली एफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर दैट ब्रिंग इंपल्स फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अमंगस्ट कैनियल नर्व्स ओनली थ्री आर सेंसरी, जिसमें ओल्फैक्टरी होता है, ऑप्टिक होता है, ऑडिटरी होता है, ठीक है। तीन टाइप की आपकी आपका जो होता है क्रैनियल नर्व में, तीन टाइप की आपके सेंसरी होती है, इसमें ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, इसके बारे में बात करें तो सेंसरी नर्व कुछ मतलब नहीं होता, जो बॉडी में जो पार्ट, ठीक है, जो पार्ट चीजों को सेंस कर रहा है वो क्या है? सेंसरी नर्व है, ठीक है, गर्मी फील कर रहा है, ठंड फील कर रहा है, जो भी चीज सेंसरी नर्व है। मोटर नर्व, दे आर नर्व व्हिच कंटेन्स ओनली एफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू इफेक्टिव ऑर्गन फॉर पर्टिकुलर फंक्शन लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सीक्रेशन। तो सिंपल आपका ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, सेंसरी ने सेंस किया और काम किससे हुआ? मोटर नर्व से। मोटर मतलब होता है जैसे ऑपरेट करना, ठीक है, तो मोटर ने उस चीज को ऑपरेट किया, उस पर्टिकुलर आपका जो मसल था उसको ऑपरेट किया, या उस पर्टिकुलर ग्लैंड, ग्लैंड मतलब होता है आपका ग्रंथि, ठीक है, इससे इससे हार्मोन होना चाहिए, इससे हार्मोन निकलना चाहिए, या आपका मसल का इतना कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, जैसे आपका हार्ट का बीट, हार्ट बीटिंग होना चाहिए, तो ये आपका किससे हुआ? मोटर नर्व से। इसके अलावा एक कौन होता है? मिक्स्ड नर्व, द नर्व कंटेन बोथ, जिसमें एफरेंट भी होता है, एफरेंट भी, मतलब आपका इसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी, नर्व्स भी होंगे और मोटर नर्व्स भी फाइबर होंगे, ऑल स्पाइनल नर्व्स एंड फोर क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, जिसमें ट्राइग्लैंडियल, फेशियल, ठीक है, ग्लोसोफैरिंगियल एंड वेगस जो है मिक्स है। तो ट्रिपल आपको इतना ध्यान रखना है कि मिक्स्ड नर्व में दोनों होंगे, सेंसरी नर्व भी होंगे, मोटर नर्व भी, और मोस्टली ये किसमें पाया जाता है? स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, स्पाइनल जो आपकी होती है उसमें आपका, और उसके अलावा फोर क्रैनियल होता है, ठीक है, या आपका क्रैनियल नर्व में तीन जो होते हैं वो ये होते हैं, और चार जो होते हैं वो आपके
फोर कैनल नर्व जो होती है वो ये वाली होती है, मिक्स टनल होती है, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान के नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन शोज ए ग्रेट एडवांस्ड ओवर दैट ऑफ एनी अदर एनिमल इन द साइज ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एज वेल एज द मिड ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रम मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन का जो शेप होता है ना, मतलब ह्यूमन का जो बॉडी का हेमिस्फीयर मतलब गोलाई, ठीक है, यह साइज जो होता है वो करीब आपका काफी बड़ा होता है और जानवरों से अगर तुलना करें तो, और इनका वेट करीब 1250 ग्राम होता है और करीब 1400 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है इनका साइज भी होता है, ठीक है। ब्रेन इज सेफली प्रोटेक्टेड इन द क्रेनियम, पहले बताया जा चुका है, ठीक है, कि ब्रेन का सिस्टम हम पढ़ा था कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, ये क्रेनियम जो होता है ब्रेन को बचा कर रखता है, ठीक है। एंड इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, इसके अलावा 3 लेयर्स जो होती है, इसके बारे में डिटेल में बात की, अगर आप नहीं देखा लास्ट वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है, उसके अलावा 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन भी होती है। इसके बाद बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 3 नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, तो अभी हम क्या बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, किस चीज से मिलकर बना होता है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो चीज से मिलकर बना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन मेनिंग्स व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंफेक्शन इफ इट इज इन्फेक्टेड बाय एनी वेज कॉज मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है, जब आपका ब्रेन में कुछ बीमारी हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, दो चीज से मिलकर बना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजाइटिस जो होती है बीमारी होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ द न्यूरॉन्स व्हिच विल डाई इफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड टू 3 to 4 मिनट, यही होता है आपका कोमा का पोजीशन, ठीक है। जब आपकी जो आपके ब्रेन में जो नर्व है उन पे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ठीक है, ग्लूकोज नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वो क्या होती है, डेड हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा, रोड से बंदा कोमा में चला गया, तो वही होता है। तो करीब 3 से 4 मिनट अगर नहीं पहुंचा तो न्यूरॉन्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिजनरेट, ऐसा नहीं, न्यूरॉन्स को जैसे ब्लड को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके ब्लड चढ़ा देते हैं, बट न्यूरॉन्स को आप ना तो रिप्लेस कर सकते हैं ना तो रिजनरेट कर सकते हैं। न्यूरॉन हैज टू पार्ट, इसमें ग्रे मैटर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड टू व्हाइट मैटर होता है व्हिच कनेक्ट टू और मोर ग्रे मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपका सिंपल समझना है कि दो मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, इतना आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो काम करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब जैसे आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है तो आप थोड़ा आपका दोनों हाथ क्या होता है उधर चला जाता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। या कभी ऐसा होता है कि आपके आंख में कुछ कीड़ा आने वाला, आंख की आंख दर जाती है या आंख बंद हो जाती है, तो सब किसके होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात करें, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे क्रिकेट में होता है कि बॉल कैसे आनी है आप लोगों को बैट करना चला जाता है, तो वो आपका किससे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, इनवॉलंटरी टाइप, ठीक है। ये देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसके बारे में बात करें, ठीक है। ये टोटल आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपका सिंपल ब्रेन जो होता है और स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड करीब ये जो होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। और ये टोटल नर्व होते हैं जो आपकी बॉडी में जो आपको दिखती भी होगी कभी कभी अगर आप देखें तो, ठीक है। और ये जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो बताया गया ना आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बीच वाला जो है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो भी आपकी नर्व दिख रही है उसका काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के काम, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। इसमें देखिए दिमाग पर देखिए ब्रेन में देखिए, ठीक है। ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन हमेशा होता है आगे वाला, ठीक है, जो आपके आँख के ऊपर मतलब ये यहाँ आईज होगा, तो इसके आगे वाला जो एरिया है वो आपका क्या होगा, फोरब्रेन होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, सेरिब्रम होगा और थैलमस और क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी होता है, ठीक है, सेरिब्रम के बाद सेरिब्रल भी होता है, ठीक है। कॉर्पस के बारे में बात करेंगे, सेरिब्रल एक्यूडक्ट होता है, ठीक है, मतलब एक पाइप टाइप होगा। इसके अलावा बात करें हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब पीछे ब्रेन जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं, ठीक है, वो किस चीज से, वो तीन चीज से मिलकर होता है, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है, तीन चीज से मिलकर हिंड ब्रेन। कौन किसका पार्ट है वो ध्यान रखिएगा, फोर ब्रेन का पार्ट क्या है, आगे वाला ब्रेन का सबसे आप तीन ब्रेन को तीन भाग में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन, तीन चीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। फोर ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम होता है, थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, मिड ब्रेन में जो क्या होता है, मिड ब्रेन में आपका ये मिड ब्रेन है, ठीक है। हिंड ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन स्टेम जो होता है मिड ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिगेटा, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाली आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये सेरिब्रल एजुएट। तो इसके बारे में डिटेल में चलिए बात करते हैं, ठीक है। ब्रेन हैज थ्री रीजन, ठीक है, ब्रेन के तीन रीजन है, ठीक है। पहले नर्वस सिस्टम के तीन टाइप नर्वस सिस्टम थे, अभी ब्रेन के पर्टिकुलर ब्रेन की बात कर रहे हैं जो आपका सेंट्रल नर्वस का पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस ब्रेन जो तीन रीजन है, सबसे पहला होता है फोर ब्रेन,
ठीक है, फोर ब्रेन मतलब आगे वाला ब्रेन जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डाइसेप फैलोन होता है, ठीक है, जिसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए। फोर ब्रेन मिड ब्रेन जो होता है ऑप्टिकल लोब्स और क्रूरा सेरिब्रल होते हैं, ठीक है, उसके बाद हिंड ब्रेन जो पीछे वाला छोटा दिमाग होता है, तो सेरिबेलम और मिडिलम कौन किसका पार्ट है इतना आपको बस पता होना चाहिए। फोर ब्रेन का पार्ट फोर ब्रेन का, ठीक है, इसमें सेरिब्रल पूछ लेता है, ठीक है, मिड ब्रेन में आपको ऑप्टिकल लोब्स पूछ सकता है, हिंड ब्रेन में दोनों इंपॉर्टेंट है, सेरिबेलम और मिडिलम में होता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी जो लोब्स होता है उसका काम सिर्फ क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल टू द टेंपोरल लोब, जो आप लोग चीजों को स्मेल कर पाते हैं ना वो किसके थ्रू ही हो पाता है, ओल्फैक्टरी लोब्स, तो इतना आपसे डिटेल में पूछेगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेरिब्रम की, ठीक है, सेरिब्रम की, सेरिब्रल और सेरिब्रम कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसी सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, तो आपका सेरिब्रम होता है, इट कंसिस्ट करीब 80% ऑफ ब्रेन जो होता है वो सबसे सबसे बड़ा पार्ट करेगा आपका सेरिब्रम होता है, दैट ओवरलाइज ऑल अदर पार्ट, सेरिब्रम इज द फॉर्म ऑफ टू क्लोजली अप्रेस्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, तो टोटल सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो था आपका, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो यही टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर क्या बनता है, सेरिब्रम बनता है, ठीक है, क्या बनता है, सेरिब्रम बनता है, ठीक है, सेरिब्रम बनता है, सेरिब्रम जो होगा उसकी बात करें तो आपका टू क्लोजली अप्रेसिड सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर क्या बनता है, आपका सेरिब्रम बनता है, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, और कनेक्टेड एट द इनफीरियर रीजन बाय अ थिक कर्व्ड बैंड नोन एज द कॉर्पस कैलोसम, ये पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, किससे किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है, दोनों जो आपका सेरिब्रम हेमिस्फीयर किसका कनेक्टेड कैसे होता है, इनफीरियर रीजन में जहाँ पे आपका थिक कर्व्ड बैंड होता है, इसको आपको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है, थ्री डीप एंड वाइड फिशर डेमार्केट आपका डिमार्केट फोर लोब्स, ठीक है, डिमार्केट में अलग अलग फोर लोब्स जो होते हैं उसमें आपका एंटीरियर फ्रंटल मिडिल पेरिटल, ठीक है, पोस्टीरियर ऑक्यूपेटल और लैटरल टेम्पोरल, ऐसे टाइप के चार होते हैं, तो इनका काम नॉर्मली पूछता नहीं है, तो आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट 80% ऑफ ब्रेन को कवर करता है, ठीक है, इसमें आप देखिए फ्रंटल लोब्स की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर फ्रंटल की बात करें, फ्रंटल लोब्स का मतलब वॉलंटरी मूवमेंट, जो आपका हाथ उठाना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं वो आपका इसके थ्रू होगा, पेरिटल लोब्स की बात करें तो जनरल सेंसेशन जैसे पेन जो होते हैं आपका, कोई चीज को टच करते हैं, कोई चीज प्रेशर फील करते हैं, टेम्परेचर फील करते हैं, टेस्ट फील करते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, पेरिटल लोब्स के थ्रू। इसका टेम्पोरल लोब्स जो होता है आप किसी को स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, सुन पाते हैं, स्पीच दे बोल पाते हैं, मेमोरी याद कर पाते हैं, टेम्पोरल लोब्स होता है, ठीक है, ओके, और ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो आपका मेनली साइट के देखने के लिए होता है, नाम से पता चला, ठीक है, तो आपसे इतना पूछेगा नहीं, जो इतना पूछेगा वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें डाइसेप फैलोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाइसेप फैलोन भी इसको बोल देते हैं, तो इसका आपको बात क्या इसमें ध्यान रखना है, डाइसेप फैलोन जो होता है आपका, पहले बात तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, आगे वाले ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ द डाइसेफेलोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस की हमने जहाँ पे बात की थी, कहाँ है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस की जहाँ पे बात की थी, तो हाइपोथैलेमस का जो बेस होता है ना, हाइपोथैलेमस का जो बेस होता है वो किसका पार्ट, वो किसका आपका पार्ट होता है, वो आपका किसका फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये आपका डाइसेफेलोन जो होता है वो आपका फोर ब्रेन का एक तो पार्ट है, हाइपोथैलेमस का जो फ्लोर, मतलब हाइपोथैलेमस जहाँ पे होता है उसका जो फ्लोर होता है ना, उसका वो आपका क्या होता है, डाइसेफेलोन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द मासेस ऑफ ग्रे मैटर स्कैटर्ड वाइट मैटर, इसमें ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है, हाइपोथैलेमस पोजिशन हाई नर्व सेंटर फॉर कंट्रोलिंग इमोशन, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना इसी से सारी आपको चीजें लगती है, जैसे आपको भूख लगना, नींद लगना, सोना, ठीक है, आपको प्यास लगना, बॉडी का टेम्परेचर जो फील होता है, सब किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ही वो आपका माइंड ब्रेन का पार्ट है जिसके थ्रू आपको सब चीज़ें होती है, जैसे आपका लव होना, प्यार होना, ठीक है, फीलिंग्स आना, किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस, तो ये सब हाइपोथैलेमस ही होता है जो इन सब चीज़ के लिए उत्तरदायी है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है प्रोसेस हाई नर्व सेंटर फॉर कंट्रोलिंग, जिसमें इमोशन कंट्रोल होता है आपके, आपका स्वेटिंग मतलब पसीना आ जाता है, फैटिक स्लीप, थक के आप लोग सो जाते हैं, थर्स्ट की प्यास रहना, हंगर भूखा रहना, बॉडी टेम्परेचर, इट ऑल्सो सीक्रेट न्यूरोहार्मोन से सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सब कुछ फील करती है, इमोशन लव सब, तो हाइपोथैलेमस ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस सीक्रेट 12 न्यूरो हार्मोन, ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाइपोथैलेमस कितने न्यूरो हार्मोन आपका सीक्रेट करता है, करीब 12 करता है, 10 ऑफ देम कंट्रोल द सीक्रेटरी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, तो वो आपका 10 जो होती है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होती है, जबकि 2 उसमें ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो होता है वो कंट्रोल करती है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि 12 जो आपको हार्मोन जो आपके हाइपोथैलेमस के थ्रू होते हैं, और जो आपका डेंसिफेलोन जो होता है
ठीक है, डेंसिटी फ्लोर जो होता है वो आपका हाइपोथैलेमस के फ्लोर पे ही होता है। इसके बाद बात करें मिड रेंज, अभी हमने फोर ब्रेन की बात की थी, ठीक है दिखा देते हैं आपको। फोर ब्रेन में ऑलफैक्टरी स्मेल करने के लिए चीजों को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात कर ली, इसको मिलकर सेरिब्रम बनता है, ठीक है। डेंसिटी फ्लोर की बात कर ली हमने, जिसके फ्लोर पे होता है, ठीक है। अब हम बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन ऑप्टिकल लोब्स होता है और क्यूरुला सेरिब्रल होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी मिड ब्रेन की, तो नर्व सेल आर इन्वॉल्वड इन कंट्रोलिंग मसल टोन एंड मॉडिफाइंग सम मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी मतलब जहां पे काम होना है, जैसे बताया था हाथ हिलाना पैर हिलाना, मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। देर आर टू थ्री फाइबर ट्रैक्स जिसमें आपका क्रूरा सेब्री या सेरिब्रल, ठीक है, जिसमें आपका क्रूरा सेरिब्रल या सेरिब्रल पेंडुकल्स जो होता है ऑन द इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर मतलब सबसे अंदर साइड, फॉर कनेक्टिंग फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन। ये आपको मिड ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन को आगे वाले ब्रेन को पीछे वाले ब्रेन से कनेक्ट करता है, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और आपका जो आपके ब्रेन को जो सिग्नल जाता है यही रिले करता है, ठीक है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन में सिग्नल जाएगा ना, तो कहाँ से, बहुत सेंसरी और मोटर से आपको कौन रिले करेगा, मिड ब्रेन। यहाँ रखिएगा मिड ब्रेन जो होता है वो आपका क्या करता है, जो आपका सबसे पहली बात है कि फॉर कनेक्टिंग फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है एंड रिलेइंग इम्पल्सेस, ठीक है। इम्पल्सेस को क्या करता है, रिले करता है, बहुत सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। द साइड्स कंटेन फोर स्वेलिंग और कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, टू लार्जर सुपीरियर कॉर्पोरा इसको हम फॉलिकुली या साइड रिफ्लेक्स बोलते हैं एंड टू स्मॉल इंफीरियर कॉर्पोरा एंड फॉलिकुली इसको ऑर्डिक। सिंपल आप समझे, साइड रिफ्लेक्स मतलब जैसे कोई चीज आपकी तरफ आ गई तो क्या करते हैं उसको, आप तुरंत हार हो जाते हो उस चीज से बचने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स की बात करें, जो आपके कान से चीजें सुन के आपको जो आता है, कहीं पे शोर हो रहा था आपने, इधर से आवाज आ रही, वहाँ से होता है, तो वो होता है आपका इधर से, ठीक है। तो मिड ब्रेन होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिड ब्रेन से इतना ध्यान रखना है कि आपको फोर ब्रेन को एफ ब्रेन से जोड़ने का जो काम करता है वो आपका कौन करता है, मिड ब्रेन करता है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेरिबेलम की, और ठीक है इसमें आपको दिखा देते हैं, इसके अगर हम बात करेंगे इसकी सेरिबेलम की बात करेंगे और मेडुला ऑब्लिगेटा जो आपका किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का है, वो पार्ट है उसके बारे में। तो हम बात करें सेरिबेलम की, तो इट लाइज बिहाइंड द सेरिब्रम एंड अबव मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। तो सेरिब्रम के बाद में और मेडुला ऑब्लिगेटा के पहले, ठीक है दिखा देते हैं आपको, ये आपका सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम के बाद में और मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा आप देखिए कहाँ पे, मेडुला ऑब्लिगेटा ये है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा क्या, तो इसके बीच में ही कहीं पे आपका क्या है, सेरिबेलम, देखिए दिख रहा है आपको यहाँ, ये इसके और इसके बीच में क्या है, सेरिबेलम है, ठीक है। तो ये सेरिबेलम जो है, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो सेरिबेलम जो है सबसे बड़ा और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट जो 80% तक क्या था, सेरिब्रम था, वो क्या था, सेरिब्रम था, ये क्या है, सेरिबेलम, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सेरिबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट था और ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, इसका पार्ट है सबसे पीछे वाले का, छोटा दिमाग जो कहते हैं उसका पार्ट है। व्हिच इज वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन, सेरिबेलम इज कनेक्टेड विद बोथ सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लिगेटा एंड कंट्रोल्स, एक इसका काम क्या है, इक्विलिब्रियम बॉडी, बॉडी को जो कंट्रोल करता है, आप हिल के ना चले वो कंट्रोल करता है, मॉडरेशन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट, जो आप कहां उठाना पैर उठाना है, खाना है, वो सब जो होता है इसके होता है, मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन, ठीक है, मसल टोन को मेंटेनेंस। तो इतना आपको ध्यान रखना, सेरिबेलम की सबसे पहली बात ध्यान रखना कि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और ये आपका सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिगेटा के बीच में होता है, इससे ज्यादा से कुछ भी पूछने वाला नहीं है। इसके बाद बात करें मेडुला ऑब्लिगेटा की, तो इट इज सिलेंड्रिकल कोनिकल हिंडर मोस्ट पार्ट ऑफ द, सबसे पीछे वाला पार्ट, ठीक है, सबसे आगे वाला पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम सबसे आगे वाला पार्ट और सबसे पीछे वाला पार्ट कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा, जो आपको दिखाया गया नीचे साइड होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा इज बिलीव टू कॉज चेंजेस ऑफ नर्वस ट्रैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वॉइस वर्सा, तो ये जो होता है वो आपका जो भी चेंज होता है नर्वस ट्रैक में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा काम करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा है रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर जहाँ से आपको सांस लेते हैं, कार्डियक सेंटर जैसे आपका हार्ट बीट, और रिफ्लेक्स सेंटर जहाँ चीजों रिफ्लेक्स जो है आपका आवाज का रिफ्लेक्शन हो गया आपका का और आंखों का रिफ्लेक्शन हो गया, वो जो होता है वो जैसे आपका स्वेलिंग, किस चीज को आपको करना है, स्वेलो करना है, ठीक है, मतलब निकलना है, वॉमिटिंग उल्टी करना है, ठीक है, पेरिस्टेरेसिस सीक्रेशन, एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल बाकी आपका डाइजेशन वाला जो होती है सबसे बड़ा, सेलिवेशन, ठीक है, कफिंग, छींकना, खांसना सब किसके थ्रू होता है, ये रिफ्लेक्स सेंटर के थ्रू, इसमें मेडुला ऑब्लिगेटा में जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है उसके थ्रू आपका सब होता है, कौन सा, जैसे आपका छींकना है, ठीक है, खांस रहे हैं आप, वो सब चीज़, इसके अलावा उल्टी कर रहे हैं,
ठीक है, कुछ निकल जा रहे हैं तो कैसे रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद फिर वैसोमोटर सेंटर है, जो डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, उसको आप लोग वैसोमीटर सेंटर इतना नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखना है। मिडल ऑफ लंग का हिंदर मोस्ट पार्ट आपका सबसे होता है, और इसमें आपका छींकना खांसना ये सब रिफ्लेक्स सेंटर जो होता है वो आपका मिडल ऑफ लंग का ही पार्ट होता है। इसके बाद फिर ब्रेन स्टेम की, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड एज मिडल ऑफ लंग पॉन्स वेरोली एंड मिडले, ठीक है। तो क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड एज मिडल ऑफ लंग पॉन्स वेरोली एंड मिडले, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन स्टेम जो होता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में होता है, ये पूछा जा सकता है। मिड ब्रेन किसका पार्ट है आपका, तो सबसे पहली बात है ये मिड ब्रेन का और उसके बाद हिंड ब्रेन सबसे पीछे वाला ब्रेन स्टेम इसका पार्ट है, ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लें कि सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, ठीक है, जिसको सीएसएफ भी कहते हैं, इसमें आपसे काफी कुछ नहीं पूछता है, लेकिन ये क्या होता है, एल्कली होता है, एल्कलाइन जो होता है ये पूछ लेता है, ठीक है, एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसका पीएच जो कि 7.3 थी, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका आपका 7.33 पीएच होता है, ठीक है। और क्या करता है, काम क्या करता है, इट्स पिक अप CO2 को पिक करता है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जो आपके यूरिन से और अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन सब चीजों को क्या करता है, पिक करता है। और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, झटके से। तो मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल प्रेशर कीप्स सीएनएस मॉइस्ट। इसके अलावा जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, थोड़ा सा मॉइस्ट, मतलब थोड़ा सा गीला रखता है, ड्राई नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में हर पार्ट जो होता है ड्राई वो किया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह की आपका मशीन है, तो हर मशीन को लुब्रिकेट किया जाता है, ह्यूमन बॉडी को भी क्या आपका लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये ब्लड से ही फिल्टर आउट होता है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो आपका ब्लड से ही फिल्टर आउट होता है। रीजन ऑफ द कॉरिड प्लेक्सस जो जगह होती है वो उतना पूछे नहीं आपसे, इतना पूछ सकता है कि आपका क्या होता है, एल्कली होता है, एल्कलाइन होता है, तो ध्यान रहेगा 7.33 पीएच होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रंटल लोब्स की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्रंटल लोब्स राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर, जैसा आपको बताया गया था कि दिमाग को अगर आप देखें तो दो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह आपका नीचे वाला ब्रेन स्टेम होता है, यह आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लॉन्गे का नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम नहीं होता, जो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। और ये आपके डिफरेंट लोब्स की हमने जो बात की थी, कौन किसका लोब्स होता है, जो आपका जो होता है, ठीक है, फ्रंटल लोब्स, ये आपका होता है ब्रेन का पार्ट होता है, फ्रंटल ब्रेन जो होता है, ठीक है, ये आपका हिंड ब्रेन का ये पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सब है वो आपका किसका पार्ट होता है, ये आपका पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ठीक है। तो एक दो तीन ब्रेन आप पार्ट बनाया है। द ब्रेन इज कंपोज ऑफ द थ्री पार्ट, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, सेरिब्रम को लिखे तो फोर लोब्स में डिवाइड कर दिया सेरिब्रम, ठीक है, डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपका आपका फोर लोब्स में डिवाइड किया, फ्रंटल लोब्स हो गया, इसके अलावा क्या आपका होता है ऑसिपेटर, ठीक है, ऑसिपेटर जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया। इसमें देखिए आपका क्या है, फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, मतलब ठीक है, जब आपका पर्सनलिटी इमोशंस जो होते हैं, इंटेलिजेंस जो होते हैं, अटेंशन होते हैं, जजमेंट जो होते हैं, बॉडी का मूवमेंट जो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, आप जो बोल पाते हैं, ये लिख पाते हैं, वो फ्रंटल लोब के थ्रू ही होता है। पेरिफेरल लोब्स क्या होता है, सेंस ऑफ टच, कोई चीज टेस्ट करना, पेन करना, टेम्परेचर, डिस्टिंग्विश साइज, बड़ा साइज है, छोटा साइज है, शेप, कलर, ठीक है, वो सब किसके थ्रू होता है, पेरिफेरल लोब्स के थ्रू। उसके अलावा ऑसिपिटल लोब्स के थ्रू विजन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा सकता है। ऑसिपिटल लोब्स के थ्रू आप क्या देख पाते हैं, सिर्फ देख पाते हैं, देखिए कहाँ पे पीछे साइड पे थोड़ा। टेम्पोरल लोब्स, जिसमें आपका स्पीच अंडरस्टैंडिंग, जो लैंग्वेज को आप लोग समझते हैं, टेम्पोरेरी होता है, मेमोरी, सुनना, ठीक है। इसके अलावा सेरिबेलम की बात करें तो बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए सेरिबेलम आता है, हिंड ब्रेन जो होता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ठीक है, या कॉन्शियसनेस जो होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। इसके अलावा थोड़ा सा दिया हुआ है, इंजर्ड हो जाए जिससे क्या क्या हो सकता है, इतना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड की, तो इट इज 40-45 सेंटीमीटर लॉन्ग, करीब 30-35 ग्राम इसका वेट होता है, कितना 42-45 सेंटीमीटर होता है। कॉर्ड लाइक नियरली सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ द सीनस विच लाइज इनसाइड द न्यूरल कैनाल और ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हमने बात किया था, जो आपका पूरा आपका सिर से लेकर, जो आपका नेक से लेकर पूरा आपका टेल तक जाता है आपका, ठीक है। टोटल 26 वर्टिब्रल वर्टिब्रल होते हैं ना, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्रल होते हैं। तो उसी की बात की है, तो इसके पूरे अंदर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्या होता है इसके अंदर ही होता है कॉर्ड, बस होता है रस्सी है, ठीक है, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर ये भरा हुआ है,
इसके अंदर ये भरा हुआ है। तो ये कॉर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसके अंदर ये भरा होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। ये पूरा स्पाइनल है, स्पाइन है, ये पूरा वर्टिब्रल होता है, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड जो रस्सी होता है वो पूरे स्पाइन के अंदर आपकी क्या होती है, भरी होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हाँ, इट बिगिंस इन द एटलस एंड टेम्पर टू द पॉइंट कॉनस मेडुलरिस इन द फर्स्ट और द सेकंड लंबर, जो आपका बहुत सारे नंबर की बात की थी मैंने, बैटरी बेटा उसका उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट साइज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू एलॉन्गेशन ऑफ द वर्टीब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टीब्रल कॉलम लंबा होगा स्पाइनल कॉर्ड होगा छोटा, छोटा हो जाएगा, ये सेंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। स्पाइनल कॉर्ड इज सेंटर फॉर मेनी रिफ्लेक्स, जो आपका रिफ्लेक्स होता है वो सब किसके थ्रू होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, प्रोवाइडिंग नर्वस कनेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉडी पार्ट, कंडक्शन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर इंपल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो भी आप चीज सेंस करते हैं, जो भी आप कोई चीज काम करते हैं, वो मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही सिग्नल किसको जाता है, ब्रेन को जाता है, ये पार्ट बात कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करें स्पाइनल नर्व की, ठीक है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो स्पाइनल नर्व जो होती है वो क्या बनाती है आपकी, पेरीफेरल, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल नर्व पूरी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, डेवलपिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से डेवलप होती है, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, तो टोटल 31, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। टोटल स्पाइनल नर्व कितनी होती है, करीब 31 नर्व्स होती हैं, 8 सर्वाइकल आदि होती हैं, गले के आसपास होती हैं, तब थोरेटिक होती है, उससे नीचे होती है, 5 लंबर में होती है, 5 सेक्रल में होती है और 1 कोक्सीज में होती है। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 31 आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो आपकी ऊपर से नीचे तक ऐसे करके, ठीक है, दिखा देते हैं ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है करीब टोटल जो होती है 31, ये ऐसे ऐसे करके निकली जाती है, पूरी बॉडी पे जाती है, टोटल इनकी संख्या कितनी 31, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि MPPSC है, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है जो आपका फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, या जो आपके लॉजिक बेस्ड होते हैं, या आपका जो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं। द नर्व कम्स ऑन द वर्टीब्रल कॉलम थ्रू द इंटरब्रल फॉर बिना द फर्स्ट पेयर ऑफ द सर्वाइकल कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन, ये पूछेगा नहीं कोई, ठीक है। जिसको पूछना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 31 को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और कहाँ से कहाँ लग जाता है, ये आपका जाता है स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी ले जाता है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स की बात करें, क्रेनियल आपको पता है जैसे क्रेनियल वर्ड आएगा समझ जाएंगे, दिमाग के जो कवरिंग होते हैं क्रेनियल कहते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट पेरीफेरल, ये भी पेरीफेरल नर्व सिस्टम का एक पॉइंट है, दैट डेवलप फ्रॉम ब्रेन, ये भी ब्रेन से डेवलप होता है, करीब 212 पेयर होते हैं, सारे नर्व न्यूरॉन्स पता है ना आपको, हाँ, दिमाग में आपके माइंड में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, तो करीब 212 पूरी बॉडी में 31 स्पाइनल नर्व होते हैं और 212 जो होते हैं क्रेनियल नर्व होते हैं। इसकी अगर बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो इट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल नर्व, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका कोई मतलब नहीं होता, जैसे आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा नहीं होता है, उसको जो सिग्नल भेजा जाता है वो उसको काम करवा देता है। बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये उससे कोई कंट्रोल, इट कंट्रोल द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड ऑल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट, ठीक है, डाइजेशन, जो आपका हार्ट बीट से धड़कना है वो आप रोक नहीं सकते हैं, डाइजेशन जो होना है, ठीक है, आपके अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनर्वेट वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, तो उसके अलावा जितने भी आपके सिक्रेशन हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं, आपका हार्ट बीट का जो बढ़ना होता है, हार्ट बीट का काम होना होता है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट वो आपसे बात नहीं करता, पूछता नहीं, आप दौड़ते तो आपके हार्ट बीट तेज हो जाती है ऑटोमेटिक, ये सब किससे होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का संबंध समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल काम हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनल जो आप देख नहीं पा रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जो जैसे आपका डाइजेशन आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, हार्ट का धड़कना आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लीवर के अंदर जो आपका सिक्रेशन हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, शुगर का निकलना और इसके अलावा बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो उनका निकलना आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है, सिंपल इतना समझिए। तो आपको इतना समझना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है चीज को फील करता है सिर्फ, ठीक है, जो चीज आपको करना है, जैसे ठंड आपको लग रही है, गर्मी लग रही है, उसको फील करेगा, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, उस चीज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एक्टिवेट करना मतलब आपको कोई चीज उठाना है या कोई चीज आपको हाथ उठाना है वहां से, तो ये सब किसके थ्रू होगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका दो होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो आपका होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक होता है। इसमें आपका देखिए यही है, ये आपका वर्टीब्रल, ये आपका वर्टीब्रल होता है, स्पाइनल कॉर्ड इसके इधर होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसमें आपका T1, T2, T12 करके टोटल 12 ऐसे करके कॉलम्स होते हैं, वो आपको पूछना नहीं है, ठीक है। इसमें आपका जो आंखों का आपका पुतलियां आप देखेंगे, कभी छोटी जाए कभी बड़ी जाए लाइट के हिसाब से, ठीक है। सेलिवेशन जो होता है, सलाइवा जो होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्स्ड ब्रोंकी जो होती हैं, ठीक है,
ब्रोंकी की बात की थी ना हार्ट के बारे में, जो आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपका जो ब्रोंकीज होती है ठीक है, इसके अलावा आपका सिक्रेशन जो होता है आपका ठीक है, मतलब आपका जो भी किडनी हो गई आपका, या आपका क्या कहते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया उसके अंदर से जो होती है ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज प्रोडक्शन और रिलीज जो होता है, सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन जो आपकी बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, इनहिबिट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन जिसमें आपका यूरिन होता है तो उसको इनहिबिट करना, स्टिमुलेट ऑर्गन्स जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको आपको एक्टिवेट करना, या आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है, या आपका कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल्स ठीक है इसको फैलाना, इसको आपका सिकुड़ना जो होता है, स्टिमुलस सलाइवा फ्लो ठीक है। देखिए जो ये कुछ काम ये कर रहा है, कुछ काम ये कर रहा है, जो काम ये कर रहा है उसका अपोजिट काम क्या है ये कर रहा है ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ थैलेमस ठीक है, आपको ये जो ध्यान रखना है ये आपसे पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आप क्या कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लॉन्गा का ठीक है, तीन चीजें पूछ सकता है। तो थैलेमस जो होता है इट डायरेक्टली और प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो सिंपल आपका सेरिब्रल जो होता है ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो लिंक होता है वो क्या होता है, थैलेमस होता है ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार ठीक है, थैलेमस ये देखिए, ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका क्या है सेरिब्रल, तो सेरिब्रल के बीच में ठीक है, सेरिब्रल के बीच में, सेरिबेलम और सेरिब्रल के बीच में ठीक है, किसके बीच में होता है, हाँ ठीक है, कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो डायरेक्ट लिंक होता है वो थैलेमस के थ्रू होता है। हाइपोथैलेमस जैसा कि बताया जाएगा, जो भी आपकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं वो हाइपोथैलेमस होते हैं, या आपका लार्ज ब्रेन फाउंड इन लार्ज ब्रेन, द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी एज रिगुलेट बॉडी को टेम्परेचर, वही रेगुलेट करता है, उसका प्यास लगना, भूख लगना, सांस लेना, प्यार होना, ये सब हाइपोथैलेमस ही करता है, क्या करता है, हाइपोथैलेमस ठीक है। थैलेमस क्या करता है, लिंक करता है सेरिब्रल को, कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की बात करें, इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ठीक है, मर्जिंग विद स्पाइनल कॉर्ड, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ लग जाता है ठीक है, जो हम दिखा दिया आपको ठीक है, ऑलरेडी दिखा दिया गया, पहले भी दिखा दिया, दिखा देते हैं आपको, देखिए सबसे नीचे वाला पार्ट, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से लगभग शुरू जाती है, इसी के साथ जुड़ जाता है क्या, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा की, हमने बात कर ली ठीक है, तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जाती है, इससे जो पूरी बॉडी में जाता है वो क्या होता है, नर्व्स जाती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो जो भी आपके नर्व का जाल है ना, नर्व का जो भी आपका जाल है मेस है, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, तो ऑल द नर्व्स एंड नर्व सेल आउटसाइड आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इट्स टास्क इज टू रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम आवर बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो सिंपल वही चीज है कि आपका क्या करता है, चीजों को सेंस करके आपका स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजती है, ब्रेन से जो एक्शन आता है स्पाइनल कॉर्ड पे आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आपका काम पहुंच जाता है, आपके नर्व्स पहुंच जाता है ठीक है, उसको मोटर नर्व्स बोलते हैं ठीक है। तो आप समझे, फिर से एक बार बता देते हैं कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स है, कोई हाथ में सब नर्व्स है ठीक है, तो क्या हुआ, कोई आपने गर्म चीज टच कर दी तो यहाँ से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा ब्रेन को, ब्रेन एक्टिवेट करेगा भाई स्पाइनल कॉर्ड को कि उस उजरे से हाथ हटाओ, तो इधर से आपका सिग्नल एक आएगा और आपका हाथ वहां से ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हुआ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 12 पेयर ऑफ क्रैनियल बोन्स होता है और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व्स में और 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके कहां पे क्रैनियम ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो पहली बात तो कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन्स लिम्स एंड स्किन, तो सिंपल आप क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं ठीक है, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जैसे लीवर हो गया आपका, आपका इंटेस्टाइन हो गया आपका, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसको कनेक्ट करता है और स्किन को साथ में, उसके अलावा कैरीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द, तो सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल आ रहा है उसको आना और ले जाना, मतलब एक तार की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिकल यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा
इसके अलावा अलाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी। तो इसके अलावा क्योंकि इसी से सब सिस्टम्स कर रहे हैं, ब्रेन हर जगह सिग्नल खास भेजेगा, इसके थ्रू ही भेजेगा। रेगुलेट इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। तो इसके अलावा आपका हार्ट बीट और ब्रीदिंग जो होता है उसके थ्रू ही होता है। इसके बाद बात करें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने बात कर ली पहले। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो सबसे पहले डिस्कवर किया मार्शल हॉल ने था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ सीनस कनेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन, इट कैन बी स्पाइनल रिफ्लेक्स और सेरेब्रल रिफ्लेक्स। ठीक है, दो टाइप का रिफ्लेक्स होता है, एक तो स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है जो आपके स्पाइन के थ्रू होगा, एक सेरेब्रल रिफ्लेक्स होगा जो दिमाग के थ्रू होगा। ठीक है, तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, दो टाइप होता है, एक तो आपका दिमाग में पहले से होता है। कुछ लोग देखिएगा बहुत साइड कुछ लोग बोलते हैं क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि उनका रिफ्लेक्स बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग होता है कंडीशन एक्वायर्ड जो आपके एक्सपीरियंस के साथ आ गया है। ठीक है, आप लोग गोली चलाते हैं जो आप लोग जो फौजी होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा उनका एक्सपीरियंस उससे आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका किसी चीज़ को पढ़ना, कोई चीज़ लिखना, किसी चीज़ को याद करना, वो आपका कंडीशनल एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क की, तो कुछ नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते के थ्रू जाता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते के थ्रू जाएगा वो इस टाइप का कुछ होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। देखिए, पाथ वे टेकन बाय द नर्व इंपल्स जनरेटेड एट द रिसेप्टर ड्यू टू द स्टिमुलस टू रीच द इफेक्टर ऑर्गन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। इट हैज फाइव पार्ट्स, में रिसेप्टर होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, मोटर होता है और इफेक्टर ऑर्गन, मतलब कुछ नहीं। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, रिसेप्टर जिसने चीजों को रिसेप्ट किया, जिसमें आपकी स्किन हो सकता है, टेम्परेचर फील कर रही हो, आई हो सकता है, कुछ चीज आपकी तरफ आ रही हो, तेज लाइट हो, ठीक है, तो उससे आंख बंद हो गए, कान या कुछ चीज सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके रिसेप्टर हुए, ठीक है, उस चीजों को रिसीव करने की कोशिश करते हैं। सेंसरी जो नर्वस सिस्टम, दे टेक द सेंसरी इंपल्स जनरेटेड बाय द रिसेप्टर टू द सेंटर। ये लोग क्या करेंगे, रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, किसी को रिसीव किया, सेंसरी जो सिस्टम होगा वो आपका कहाँ भेज देंगे, नर्वस सिस्टम को भेज देंगे। और पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पर चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। तो इसमें आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी डायरेक्ट हो सकता है या ब्रेन भी डायरेक्ट आपको मेमोरी के बेस पे चीजों में कर सकता है। इसके अलावा मोटर होगा, तो इसके अलावा इसके बाद जो कमांड यहाँ से आएगी वो मोटर नर्वस सिस्टम पर जाएगी, किस चीज को ऐसा करिए, पैर को आप इतना हिलाइए, हाथ को इतना हिलाइए, वो हो गया। उसके अलावा इफेक्टर ऑर्गन्स, जो इफेक्टर ऑर्गन्स होगा जैसे आपका हाथ हो गया, मसल्स में ग्लैंड्स हो गया, कि अमाशय ग्लैंड्स है, जहाँ भी आपका ग्लैंड्स में जो सिग्नल जा रहा है, तो इतना हमें नहीं पूछेगा। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब वो रास्ता होता है जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू फॉलो होता है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर ले इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कोविड के टाइम में आपने बहुत सुना होगा कि इम्यूनिटी अगर ज़्यादा होगी तो रोग नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम इज ओनली डेवलपमेंट इन द वर्टिब्रेट, ठीक है, इम्यून सिस्टम जिसमें होता है जो हड्डी वाले आपके लोग होते हैं, जिन्हें आप रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम उनमें डेवलप होता है। हेयर द ऑर्गेनम हैव द कैपेसिटी टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल और माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं इंसान के अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है। तो देखिए, कुछ टाइप की इम्यूनिटी बारे बात करें, चार टाइप की मोस्टली अगर बात कर ले तो नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इतनी की बात करें। तो नेचुरल इम्यूनिटी, इट मीन द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनम टू कॉन्ट्रैक्ट ए पर्टिकुलर डिजीज एंड सेंटर माइक्रोब्स कैन नॉट टेक ऑर्गेनम एज ए होस्ट। तो सिंपल आपका नेचुरल इम्यूनिटी, आपने जैसे कि आपका बॉडी में कोई चीज जाती है, ठीक है, तो उस चीज से डायरेक्ट ऑटोमेटिक लड़ना वो चीज स्टार्ट कर दे, तो उसको लोग नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पहले कोई बीमारी होती थी तो आप लोग कहते हैं मीजल्स हो गई, ये हो गई, दोबारा नहीं होगी, क्यों, उसकी उसकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में क्या होती है, जनरेट होती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करें तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मतलब आपको वैक्सीन के थ्रू, ठीक है, आपने क्या, जैसे कि आपको आप कोई बीमारी है जिसकी आपकी बॉडी इम्यूनिटी नहीं बना पा रही, इम्यून सिस्टम उसमें काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग वैक्सीन लगा देते हैं उस चीज़ का। जैसे आपका कोविड का वैक्सीन अभी लगाया जाता है, टीबी का वैक्सीन हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वैक्सीन होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का होता है, जिस तरह टोटल टोटल देखिए इंद्रधनुष वाले देखेगा तो सात टाइप के इंद्रधनुष मिशन में सात वैक्सीन रखती हैं, वैसे टोटल 12 वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो बॉडी इटसेल्फ लर्न टू मैन्युफैक्चर एंटीबॉडी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज इवन विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। वैक्सीन कंटेन्स स्किल्ड और एंटीजेनस माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग वायरस और बैक्टीरिया व्हिच कॉज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि आपने कोई चीज लगा दी तो आपकी बॉडी इस चीज को, अब जब भी उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आपकी वो इम्यूनिटी होगी एक्टिव हो जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी हेयर एंटीबॉडी आर बोरोड फ्रॉम द आउटसाइड, जो आप जैसे टेटनस होता है, टेटनस इंजेक्शन करीब बोलते हैं 6 महीने लगवाना चाहिए, क्योंकि करीब 6 महीने ज्यादा लॉस्ट नहीं करते, पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ही ये इम्यूनिटी जो है रहती है, उसको पैसिव है। एक्टिव मतलब वैक्सीन लगा दिया, लेकिन उसके अलावा उससे जो बीमारी होगी ना, उसके अलावा जो भी उस चीज से रिलेटेड होंगे, सार्स होंगे, मर्स होंगे, तो उसके अलावा ऑटोमेटिक वो क्या होगा, इम्यूनिटी जनरेट जाएगी। तो आपको इतना ध्यान थोड़ा रखना है इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो आपको लड़ने की क्षमता देता है बॉडी को। तो आशा करो वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये हमें कमेंट सेक्शन में जो बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।